नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो सिविल केसेस से जुड़ा है, यानी कि दीवानी मामलों में क्या क्षेत्राधिकार है। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। विषय एक बार फिर आपको बताते हैं, हमारा आज का विषय दीवानी मामलों यानी कि सिविल केसेस से जुड़ा हुआ है। दीवानी मामलों में क्या क्षेत्राधिकार हैं, कानूनन क्या कुछ अधिकार एक नागरिक होने के नाते हासिल है, इससे जुड़ा अगर कोई प्रश्न आपके जहन में चल रहा है, इसका कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर निःशुल्क आपकी कानूनी सहायता के लिए मौजूद हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में है तो भी आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान जितेंद्र कुमार गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए वो सिविल केसेस से जुड़ा हुआ है, दीवानी मामले। सबसे पहले यही हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि दीवानी मामलों में किस किस तरह की श्रेणी के केसेस आते हैं। जी अक्षय जी, दीवानी केसेस में सबसे पहले आता है सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो कि सबसे ज़्यादा घरों में आजकल भाइयों के बीच में झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी के लेकर के, संपत्ति को लेकर के झगड़े होते हैं, वो सबसे पहले दीवानी मामलों में आते हैं। उसके बाद वैवाहिक मामलों के झगड़े, वो सब दीवानी के अंदर आते हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट वगैरह के जो केसेस होते हैं, किसी के बीच में समझौता हुआ, उसको किसी ने कंप्लीट नहीं करा, ब्रीच कर दिया, वो दीवानी के अंदर आते हैं। उसमें ये सब चीज़ें दीवानी मुकदमों के अंदर आती है। इनकी क्षेत्राधिकार इसके बाद डिसाइड होता है कि क्षेत्राधिकार कैसे आता है। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार क्या चीज़ है। क्षेत्राधिकार बड़ा वाइड अपने आप में है अक्षय जी, मैं आपको बताऊँ कि क्षेत्राधिकार के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर दिल्ली में रहता है तो वो जम्मू में जाके केस करे या बॉम्बे में जाके केस करे। दीवानी केसेस के अंदर सबसे अहम चीज ये होती है कि प्रॉपर्टी, जो संपत्ति जिसके लिए झगड़ा है, जिसका बंटवारा होना, जिसकी कोई चीज है, वो जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर आती है, जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, वहां पे आप केवल वाद दायर कर सकते हैं, वो उसका क्षेत्राधिकार होता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर 9 जिलों के अंदर 9 जिला न्यायालय है, तो पहले क्या था, दिल्ली पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन आज की डेट में दिल्ली के अंदर 9 जिला न्यायालय है, तो जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति जिस जिला न्यायालय के अंतर्गत आता है उसका क्षेत्राधिकार, उसकी ज्यूरिडिक्शन वहीं पे आप उसका वाद दायर कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल विस्तार से हम चर्चा करेंगे और तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अधिकार हासिल होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, और क्षेत्र अधिकार का जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। उत्तराखंड के बाजपुर से संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कीजिए। नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक दीवानी मामला चल रहा है, और उसमें जो है वो पैतृक संपत्ति का विवाद है भाइयों के साथ, और उसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी गवाही होने के बाद और तो अगर कोर्ट में दूसरे मेरी तरफ से कोई गवाह मैं पेश नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली उत्तराखंड में रहता हूँ और गवाह ले रहा हूँ वहाँ गाँव से या उस क्षेत्र से, मुझे गवाह मिल नहीं रहे, क्योंकि वो जो दूसरा पक्ष है वो गवाहों पर दबाव डालता है और उन्हें मना कर देता है गवाही देने से मेरे पक्ष में। तो अगर मैं अपनी तरफ से कोई गवाह नहीं देता हूँ तो क्या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके या मेरी गवाही के बिना पे या कोई और उपाय करके क्या आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाई जा सकती। चलिए ठीक है, जीतेंद्र जी क्या इन्हें उपाय बताएंगे कानून से अपना। जो संजीव नाम है, संजीव जी ऐसा है, आपको कोई दबाव बनाने किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकायदा न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करें अपने विटनेसेस को, अपने गवाहों को समन कराने के लिए। बाकायदा न्यायालय जब उनको समन करके बुलाएंगे तो किसी के दबाव का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, न्यायालय अपने आप उनको समन करके बुला लेगा, उससे किसी को कोई भी अवधारणा की, किसी की अवधारणा अड़चन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आपको इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
चले बिल्कुल उम्मीद करते हैं संजीव जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में है, कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ है, सिविल केसेस से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। क्षेत्राधिकार की बात जितेंद्र जी आप कर रहे थे। जी, क्षेत्राधिकार से मैंने जैसे मैंने अभी पहले कहा कि क्षेत्राधिकार से मतलब है कि किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सी संपत्ति आती है, कौन से मामले आते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर हम संपत्ति से बाहर आके बात करें, किसी संपत्ति के लिए अगर कोई समझौता किसी बीच के पार्टी के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ, बेचने के लिए खरीदने के लिए कोई दो पार्टी एंटर हुई उसके लिए और उसको ब्रीच कर दिया गया, तो वहां पे एक चीज होती है कानून में कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु, कि वाद हेतु जहां उसका उत्पन्न हुआ, जहां वो एग्रीमेंट बनाया गया, जहां दोनों पार्टीज हैं या जहां वो संपत्ति उस क्षेत्राधिकार में आती है, वहां पर दोनों में से कोई एक पक्षकार वाद दायर उस न्यायालय के समक्ष कर सकता है अपना। ये उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि वो पहले ये डिसाइड कर ले कि वाद कहां होगा, क्योंकि अगर क्षेत्राधिकार में न्यायालय में नहीं आएगा तो क्षेत्राधिकार की वजह से उसका दावा निरस्त किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। चलिए एक और दर्शक मध्य प्रदेश से महेश जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी सवाल लेते हैं। महेश जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल था। हेलो जी, सवाल कीजिए महेश जी। सर मेरी पत्नी ने सर 12-13 का लगा रखा है विवाह विच्छेद के लिए, तो सर मैं अपनी पत्नी को सर वापस लाना चाहता हूँ, तो सर अगर सेक्शन 9 लगाते हैं उसके बाद भी अगर नहीं आती है सर, तो क्या फिर भी अपन ला सकते हैं कोर्ट द्वारा सर? जितेंद्र जी, जी अगर सेक्शन 9 में आपके पास डिक्री हो गई है, न्यायालय ने आपके फेवर में डिक्री कर दिया है, तो आपके लिए उसमें तलाक डालने का एक ग्राउंड बन गया है, एक आधार बन गया है। आप उसके तहत सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 13 में पिटीशन डाल के आप एक तलाक का दावा न्यायालय के समक्ष दायर कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं महेश जी, जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में, कोई उपाय आपको नहीं सूझ रहा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर निःशुल्क आपकी कानूनी सहायता के लिए मौजूद हैं। जितेंद्र कुमार गर्ग जी हमारे साथ आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हैं। आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, और लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंजाब से प्रदीप जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी प्रदीप जी, सवाल कीजिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिविल केस फायर रिकवरी का पैसे ले रहे मैं साहब, सिविल रिकवरी जी, सिविल रिकवरी केस में क्या अदालत लेनदार को कैद कर सकती है, जेल भेज सकती है पैसे देने वाले को? आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, एक बार सवाल अपना दोहरा दें। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो केस होता है सिविल का रिकवरी का पैसे लेने वाले, सिविल रिकवरी कोर्ट को बोलते हैं जी, उसमें अदालत लेनदार को जेल भेज सकती है? रिकवरी से जुड़ा कोई मामला ये बता रहे हैं कि क्या उस सिविल केस है उसके आधार पर क्या जेल भेज सकती है देनदार को? जी प्रदीप जी, ये तो न्यायालय के समक्ष जब आएगा, तो अगर 420 की FIR है और उसके एवज में कोई दूसरा रिकवरी का दावा डला हुआ है, तो ये न्यायालय उस पर विचार करेगा, और अगर बनेगा तो जरूर न्यायालय उसमें आपको बेल देगा, लेकिन ये उसके ग्राउंड पर डिपेंड करता है। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं प्रदीप जी आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल चल रहा है, कोई उत्तर आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या वो कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए जिससे आपको राहत मिल पाए, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन से लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। एक और दर्शक कानपुर से धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मैं थोड़ी जानकारी चाह रहा था। जी जी, हमारे बाबा जी ने एक एग्रीमेंट कर दिया था। चले शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से हम अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद करें, फिर हमें कॉल करें, ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हम तक पहुंच पाए। आपका खैर नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है, हमारे जो लीगल टीम है वो आपको कॉल करेगी और आपकी जो भी समस्या है उसका वाजिब उपाय हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज जिस विषय के साथ हम चर्चा कर रहे हैं वो दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ है। जो मेट्रोमोनियल की बात अगर की जाए जितेंद्र जी,
जैसे आपने बताया कि इसमें किस किस तरह के क्षेत्राधिकार की, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि सबसे पहले दीवानी मामलों के क्षेत्राधिकार भी समझना जरूरी कि कौन कौन से केस किस अदालत में जाते हैं मैट्रिमोनियल की दृष्टि में। मैट्रिमोनियल वैवाहिक केसेस भी जो है इनमें अगर केवल 406 498 आईपीसी के तहत जो सेक्शन आते हैं उनको छोड़कर के बाकी सभी दीवानी में आते हैं। जैसे अभी एक हमारे कॉलर ने बात कही थी सेक्शन 9 की हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो वो भी दीवानी के अंदर आता है। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट, वो भी दीवानी के अंदर आता है। इसके अलावा बच्चों की कस्टडी के रिलेटेड, वो भी दीवानी के अंदर आता है। इसका क्षेत्राधिकार भी ऐसे ही डिसाइड होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो दीवानी का क्षेत्राधिकार है वो जहाँ पर रेस्पोंडेंट जो दूसरी पक्षकार है वो रहता हो, जहाँ पर शादी हुई हो, या जहाँ लास्ट रेजिडेंट दोनों एज ए पति पत्नी हस्बैंड वाइफ लास्टली जहाँ रहे हो, ये तीन क्षेत्राधिकार उसके अंदर आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। उसके हिसाब से न्यायालय का क्षेत्राधिकार डिसाइड होता है। क्षेत्राधिकार के हिसाब से वहाँ वाद दायर होता है, चाहे सेक्शन 13 का हो चाहे सेक्शन 9 का हो। चलिए एक और दर्शक है जोधपुर राजस्थान से, कांतिलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांतिलाल जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने 7-8 साल पहले मैंने मेरे मित्र के नाम से एक इंश्योरेंस करवाया था। मैंने राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं जी। मैंने बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जी। कांतिलाल जी अपना सवाल कीजिए और टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का मैंने इंश्योरेंस करवाया था मेरी वाइफ के नाम से। ठीक है। मेरी वाइफ के नाम से इंश्योरेंस करवाया था। अभी उन्होंने बोला था कि आप तीन किस्त भरोगे 30,000 की, उसके बाद में आपको भरना नहीं पड़ेगा जी। तो मैंने 5 किस्त भर दी, फिर भी वो बोलते हैं कि आपको और भरना पड़ेगा। जितेंद्र जी जी, इंश्योरेंस से जुड़ा ये पूरा मसला है। इंश्योरेंस से जुड़ा आपका जो भी मसला है कांतिलाल जी, इसके लिए आप माननीय उपभोक्ता फोरम के अंदर अपना वाद दायर कर सकते हैं, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां ब्रांच ऑफिस है, उसके तहत जो न्यायालय हमारा होगा उसमें आप अपना वाद दायर कर सकते हैं। कंज्यूमर में जो भी डिस्प्यूट है माननीय उपभोक्ता न्यायालय उसको डिसाइड करेगा। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कांतिलाल जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब जरूर मिला होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम आपके लिए है। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और जो विषय आज हम लेकर आए हैं वो सिविल केसेस से जुड़ा हुआ है कि दीवानी मामलों से जुड़े क्षेत्राधिकार आखिर क्या कुछ हैं। मैट्रिमोनियल मामलों की भी हमने बात की कि किस किस तरह के अदालतों में ये केसेस जाते हैं। चेक बाउंस से भी जुड़े, क्योंकि चेक बाउंस से जुड़े मामलों की अगर बात की जाए तो काफ़ी वक्त से तमाम ऐसे केस होते हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं, और इसके पीछे शायद जो वजह कही जाती है कि केसों की बढ़ती संख्या, इसको लेकर भी इसमें जोड़ सकते हैं। जी जी अक्षय जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पिछले 2 साल से इसके ऊपर बहुत विवाद चल रहा था। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी 1.5 साल पहले एक जजमेंट दिया था, दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जहां पर एक्यूज यानी जिसने चेक इशू किया है, जहां उसका बैंक है, केवल वहीं पर आप सेक्शन 138 के अंतर्गत एनआई एक्ट के अंदर वाद दायर कर सकते हैं। केवल उसके ऊपर काफी विवाद रहा, क्योंकि जिन लोगों का दिल्ली में केस चल रहे थे वो बॉम्बे ट्रांसफर हुए, ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में कहीं इधर उधर दायर हुए। उसके बाद हमारे पार्लियामेंट ने उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस आया और सितंबर 2016 में उस ऑर्डिनेंस को पास किया गया, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से वो पारित हुआ। और उसके बाद ये लॉ वेल सेटल्ड लॉ आज की डेट में है कि जहां पर कंप्लेनेंट जिसको कि चेक दिया गया है, जिसके फेवर में चेक इशू किया गया है, उसकी जो होम ब्रांच है जहां उसका बैंक स्थापित है, केवल उसके क्षेत्राधिकार में जो न्यायालय है वहां पर वो अपना वाद दायर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है। इसका अब बिल्कुल निस्तारण हो चुका है, अब इस पे फिलहाल कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका, बहुत बढ़िया। चले बिल्कुल, किशन सिंह जी एक और दर्शक हरियाणा के भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर नमस्कार, मैं ये कह रहा था हमारे बाबा था उसने वैसे बनवाई थी सर रजिस्टर्ड वैसे जी, तो उसमें एक को छोड़ दिया था, तो उसके बाद हमने उसको क्या नाम से पार्टी केस किया, तो मैं लोअर कोर्ट में जीत गए थे, सेकंड कोर्ट में इस तरफ केस हो गया था हमारे, क्या है कि सिंपल नहीं पहुंचा, तो वो फिर सेकंड कोर्ट में जीत गया था। तो सर उस बात को 2 साल हो गए, एक पार्टी हमने करवाई को पता नहीं लग गया, तो अब हमने हाईकोर्ट में केस कर दिया है, तो उसका हाईकोर्ट में केस हो जाए दायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बस ये कुछ जी। केस जरूर आपका दायर हो जाएगा, लेकिन आपको सफिशियंट कॉज आपको ये अपना निश्चित रूप से बताना पड़ेगा कोर्ट को, आपका देरी क्यों हुई, क्या कारण थे कि आप पेश नहीं हुए, क्या कारण थे कि आपको पता नहीं चला और कैसे आपको पता चला, इस बात के लिए आपको माननीय न्यायालय को संतुष्ट रूप से अपना जवाब देना होगा। अगर कोर्ट माननीय न्यायालय से संतुष्ट होगा तो जरूर आपका केस दायर होगा जी। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं किशन जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम
पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सीधा सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो सिविल केसेस से जुड़ा हुआ है कि दीवानी मामलों से जुड़े क्षेत्राधिकार आखिर क्या कुछ हैं, क्या वो प्रक्रिया होती है जिसे आप अपना सकते हैं, और इस तरह के बाद किन किन किस तरह की अदालतों में जाते हैं, तमाम पहलुओं पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। जितेन जी, एक भ्रांति कहीं ना कहीं होती है कि तमाम लोगों को ये लगता है कि शायद दीवानी मामले जो होते हैं, फौजदारी मामले जो होते हैं, वो एक श्रेणी के होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस? जी, दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको बताता हूँ, दीवानी जैसे मैंने अभी पहले आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करी थी कि जो संपत्ति से रिलेटेड केसेस हैं, जो किसी समझौते से रिलेटेड कोई केसेस हैं, इस तरह के जो हैं वो सब दीवानी के केसेस हैं। और खासकर जिनमें कोई FIR हो जाती है, IPC के अंतर्गत जो केस रजिस्टर्ड होते हैं या NI Act के अंदर जो केस रजिस्टर्ड होते हैं, किसी सेपरेट जो ऐसे कोई धारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से गवर्न होती है वहां पे जो रजिस्टर्ड होते हैं वो सब क्रिमिनल फौजदारी में आते हैं, उनका दीवानी से कोई संबंध नहीं है। एक चीज जिसकी अभी हम बात कर रहे थे NI एक्ट के बारे में, 1/3 चेक बाउंस केस के बारे में, उसी चेक के लिए अगर हम ऑर्डर 37 सिविल दीवानी के अंदर अगर हम ऑर्डर 37 का दावा डालते हैं या ऑर्डिनरी रिकवरी सूट डालते हैं तो वो दीवानी में आता है। वो केसेस दोनों साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ माननीय न्यायालय के समक्ष चलाए जा सकते हैं। जो ऑर्डर 37 का दावा है वो दीवानी कोर्ट में यानी कि सिविल जज साहब के पास चल सकता है, और जो NI एक्ट के तहत है वो माननीय मजिस्ट्रेट साहब के पास अलग अलग अदालतों में एक साथ चलाए जा सकते हैं। चलिए, एक और दर्शक भदोही से ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर, हमारा ऐसा है ना कि हमारा हिंदुस्तान विवाद जो है एक एजेंसी से उसका जी ठीक है। हाँ, हिंदुस्तान एजेंसी था वो जून 14 में जो है। नहीं, आप अपना सवाल कीजिए सीधा, समस्या क्या है? समस्या है सर की जो है हमारा उनसे काम बंद हो गया है, उन्होंने मेरा जो है जो उनका माल स्टॉक में है जो है उन्होंने कहा था जैसे उनको उसको जैसे कि वो फार्मेट भर के भेजा गया है, वो कहें 2 महीने में 1 हफ्ते में माल आपका वापस चला जाएगा। आज 8-9 महीने हो गया जो है उसको उसका कोई पता, आजकल यही कर रहे हैं जो 9 महीना हो गया जो है उसको, और हमसे रिजाइन भी ले लिए हैं और ठीक है। जितेंद्र कुमार जी, आपके सवाल से ये क्लियर नहीं है कि आपने रिकवरी की आप पैसे तो मांगने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी जितना आपने बताया मैं बता देता हूँ उस हिसाब से कि अगर केवल माल का इशू है कि आपका माल वो वापस नहीं ले रहे हैं तो आप इंजंक्शन निषेधाज्ञा का एक दावा डलता है माननीय दीवानी न्यायालय में, वो डाल करके आप उनके खिलाफ केस डाल के उनको माननीय न्यायालय से डिग्री ले सकते हैं कि वो आपसे अपना माल वापस लें और जो मामला है उसका निस्तारण करें। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ज्वाला प्रसाद जी, जो आपकी परेशानी थी उसका काफ़ी हद तक हल ज़रूर आपको मिला होगा, और आप अगर ये रास्ता अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता ज़रूर पहुंचेगी। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि ये आपका अपना कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, कोई उपाय आपको नहीं सूझ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, आप सीधा सवाल कर सकते हैं जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दीवानी मामलों से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप जितेंद्र जी जो चेक बाउंस से संबंधित मामले बता रहे थे, जैसे एक बार चेक बाउंस हो जाती अगर दोबारा लगाने का इंतज़ार करना बेहतर होता है या फिर केस करना पहले कंप्लेंट करना ज्यादा जरूरी हो जाता है? जी नहीं, वैसे तो कानून इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक बार चेक बाउंस हो गया है तो आप उसको 30 दिन के अंदर अंदर NI एक्ट के तहत 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस देकर के अपना पैसा मांग सकते हैं। उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है 30 दिन के बाद, 30 दिन यानी जहां से बैंक ने आपको चेक वापस दिया और जहां से चेक वापस दे दिया उसके 30 दिन के अंदर आप पहले नोटिस देंगे, नोटिस में 15 दिन का समय उसको देंगे। अगर 15 दिन में वो आपके पेमेंट नहीं करता है तो ये एक ऑफेंस हो गया और फिर आप 138 के तहत अपना केस दायर कर सकते हैं। आपको दोबारा के लिए कोई ऐसा कानून नहीं कहता कि दोबारा का इंतजार करा जाए, ये पार्टीज की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उनके बीच में कोई बातचीत होती है तो दोबारा का इंतजार कर सकते हैं। कानून के हिसाब से एक बार में अपना दावा दायर कर सकते हैं। जैसे आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कही है कि ये जैसे एक व्यापारी वर्ग होता है, किन्हीं कारणवश अगर चेक बाउंस हो जाता है, ये भरोसा दिया जाए कि नहीं आप दोबारा इस चेक का इस्तेमाल कीजिए, अकाउंट में पैसा होगा, आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर बाउंस हो जाता है उन परिस्थितियों में
जी, अगर वो विद इन 3 months हुआ है, क्योंकि 3 महीने के बाद तो बैंक की RBI की क्लियर गाइडलाइन से कि वो वैलिड ही नहीं है, लेकिन 3 महीने के अंदर हुआ तो दोबारा के बाद भी आप वो स्टेप ले सकते हैं कि 30 दिन जहां से बैंक ने मीमो आपको इश्यू किया 30 दिन के अंदर नोटिस दे, 15 दिन का टाइम दे, और वो 15 दिन एक्सपायर होने के बाद विद इन 30 डेज मतलब 30 दिन के भीतर की अवधि में आप माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आप परिवाद दायर करें 138 के तहत। चलिए हरियाणा से एक और दर्शक दलेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। दलेर सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, कुछ जमीन बेची थी हम लोगों ने, एग्रीमेंट किया था जी, तो वो जो तारीख थी उस तारीख से वो रजिस्ट्री नहीं कराने आए, जो खरीदार था वो रजिस्ट्री नहीं करवाने आए जी। जी तो उसके बाद में हम मतलब क्या स्टेप उठा सकते हैं, हमने तहसीलदार के तो हाजिरी लगवा दी थी जितने भी हम ठीक थे। जितेंद्र जी, जी जहाँ तक आपकी बात सुनी मेरे को, आपने एग्रीमेंट किया था उसके तहत वो लोग जमीन दोबारा खरीदने नहीं आए आपसे, वो एग्रीमेंट पूरा नहीं करा। इसके लिए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं दीवानी न्यायालय के समक्ष, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विशेष न्यायालय के अंदर वहां पे डलता है, सेक्शन 6 में सेक्शन 9 में उसका रिलीफ आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और अगर आप अपना केवल पैसा मांगना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना रिकवरी का दावा डालेंगे न्यायालय के समक्ष जी। अगर केवल रजिस्ट्री की बात है तो आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में वक्त कितना लग सकता है जी? वर्क की जहां तक बात है तो पहले ये जो भी आप दावा दायर करते हैं उसका हमारे जवाब आएगा, फिर आप अपनी गवाही कराएंगे, गवाही के बाद वो लोग अपनी गवाही कराएंगे, तो इसमें जो भी माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी समय लगेगा वो वाजिब समय होगा, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि आपके कितने गवाह होंगे उनके कितने गवाह होंगे, तो इस बारे में जो भी समय होगा वो वाजिब न्यायालय के समक्ष समय होगा। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं दलेर सिंह जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिला होगा, और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जितेंद्र जी आपने उनके सवालों का वाजिब जवाब भी दिया, साथ ही आपने बारीकियां भी बताएं कि जो सिविल केसेस होते हैं उनमें क्या कुछ प्रावधान होते हैं और कैसे आप कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कानूनन ये अधिकार हर एक भारतीय नागरिक को दिया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जो तमाम दर्शक जुड़े थे उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और उसी अंतर को खत्म करने के लिए रोज हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।